फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पिछला वीडियो जो मेरा आया था स्केल के ऊपर, बारिश के दिनों में स्केल एक ऐसी डिजीज बहुत परेशान करती है और उससे हमारे गुलाब मर भी सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको मेलाथियन यूज़ करने के लिए बोला था। उसके बाद मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आए और कई मैसेज आए कि सर हमारे लोकल फर्टिलाइजर शॉप पर मेलाथियन नहीं मिल रहा है, तो आप कोई रास्ता बताएं जहाँ से हमें मेलाथियन मिल सकता है। तो जो पिंटू शर्मा हैं, जो रोज़ ग्रोवर भी हैं, उनके फर्टिलाइजर शॉप भी हैं, तो उनका मैं नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ से फ़ोन करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बाय पोस्ट आपके पास मेलाथियन या एक्जोडस या कोई और भी फर्टिलाइजर आपको ज़रूरत है तो वहाँ से आपको मिल सकता है। आप उनको फ़ोन कीजिए, फ़ोन नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, और वहाँ से अपने मेलाथियन या कोई और फर्टिलाइजर आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग से पहले मैं दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। रिपोर्टिंग और ट्रांसप्लांट दो अलग अलग चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग यानी फिर से उसको प्लांट को आपको गमले से बाहर निकालना, उसको ट्रीटमेंट करना और फिर से उसी गमले में उसको लगा देना, दैट इज़ कॉल्ड द रिपोर्टिंग। एंड ट्रांसप्लांट ये होता है कि हम 6 इंच या 4 इंच के पॉट में जब हम गुलाब लगाते हैं उसको फिर हम दूसरे बड़े गमले में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसप्लांट, यानी कि हम एक गमले से निकाल कर बड़े गमले में उसको हम शिफ्ट करेंगे। तो आज मैं ट्रांसप्लांट की बात नहीं करूँगा, आज मैं रिपोर्टिंग की बात करूँगा। और रिपोर्टिंग पे तीन बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे कि कब, क्यों और कैसे। यानी कि रिपोर्टिंग हमें कब करनी चाहिए, रिपोर्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए और रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, इस पर मैं डिस्कस करूँगा। जहाँ तक बात है रिपोर्टिंग करने की, कब करनी चाहिए हमें रिपोर्टिंग, आप साल में कभी भी आप कर सकते हो पूरे साल में, लेकिन अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने ऐसे हैं जब हमें अवॉइड करनी चाहिए रिपोर्टिंग। अगर आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं अपने गुलाब को तो आप ये चांस ले सकते हैं, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आपको ये 3 महीने आपको अवॉइड करना चाहिए, रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए या नए गुलाब नहीं लगाने चाहिए। ये 3 महीना बहुत स्ट्रेस वाले टाइम होते हैं गुलाब के लिए, अप्रैल, मई और जून। बाकी किसी भी समय में आप गुलाब को लगा सकते हो, ट्रांसप्लांट कर सकते हो या रिपोर्टिंग कर सकते हो। दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों करना चाहिए रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करने का पर्पस ये है कि जो रूट बॉन्ड होते हैं, जो प्लांट होते हैं, अगर मैं एक प्लांट में आपके सामने लेना चाहता हूँ, आप जैसे ये प्लांट आप अगर देख रहे हो, ये प्लांट इतना हो सकता है इसके अंदर सारा रूट जो है वो क्वाइल कर गया हो, रूट बाउंड हो चुका हो, और उस केस में क्या होता है कि जो रूट को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं जाता है। रूट के अंदर जो हम पानी डालते हैं वो कई बार ये होता है कि जो ये पार्ट होता है ये सारा जाम हो चुका होता है, इसके अंदर जो होल्स होते हैं वो जाम हो चुके होते हैं, तो जो आप पानी डालते हो वो बाहर नहीं निकलता है, वो पानी उसके अंदर रह जाता है, जिससे कई तरह के बीमारियां पॉसिबल हैं, जिसमें डाईबैक बहुत प्रमुख है और वो डाईबैक की प्रॉब्लम लगनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके जो आसपास के जो क्वाइल्ड रूट हैं, जो आपस में गुथे हुए जो रूट हैं, वो जब आप हटाते हो तो उसमें नए रूट डेवलप होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे प्लांट के ऊपर का पार्ट को जैसे हम प्रूनिंग करते हैं या ट्रिमिंग करते हैं, वैसे ही जड़ के अंदर जो सॉइल के अंदर जो हमारा पार्ट है यानी रूट पार्ट है उसमें भी ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है। तो रूट ट्रिमिंग या रूट प्रूनिंग भी हमें करना पड़ता है, तभी उसमें नए वाइट रूट्स निकलेंगे, और वाइट रूट निकल रहे हैं तभी आपका प्लांट ग्रोथ लेता है। अब आप इस प्लांट को आप देख रहे हो, अभी दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, मेरा बैक भी मारता है, तो ये समझ के चलो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर आज की डेट में भी आता है। आप इसमें देख रहे हो कोई भी सूट्स नहीं है इसके अंदर, इट मीन्स कि इसके वाइट रूट नहीं चल रहे हैं। अगर मैं इसको निकालूंगा तो इसके अंदर ब्लैक रूट ज़्यादा होंगे, वाइट रूट नहीं होंगे। अगर वाइट रूट निकल रहे हैं इट मीन्स कि आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ ले रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर लाल पत्ते देख रहे हो, आप नए सूट्स देख रहे हो, नए इसमें कुछ नए सूट्स निकल भी रहे हैं तो हो सकता है उसमें वाइट रूट डेवलप भी हो रहा हो, तो जब नए सूट्स निकल रहे हैं तो आप समझ लो कि नीचे वाइट रूट डेवलप हो रहे हैं।
अगर नए सूट्स नहीं निकल रहे हैं तो इट मींस कि वाइट रूट नीचे डेवलप नहीं हो रहा है। तो रूट ट्रिमिंग या रूट प्रूनिंग करने से भी क्या होता है, वाइट रूट डेवलप होते हैं, रूट के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा अच्छा होता है और एयरी हो जाता है स्पेस जो रूट के आसपास। और तीसरी बात, जो पानी आप डालते हो तो ईजिली वो बाहर को निकल जाता है, उसमें पानी रुकता नहीं है, क्योंकि रुका हुआ पानी कभी भी गुलाब के लिए अच्छा नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं जो पॉट यूज़ करता हूँ, पहले मैंने जो मिट्टी के अर्थन पॉट जो होते हैं, मिट्टी के जो पॉट होते हैं, वो भी मैंने यूज़ किया, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, कलकत्ता वगैरह में पॉट अच्छे होते हैं, टेराकोटा के होते हैं और बहुत अच्छे पके हुए होते हैं। तो हमारे यहाँ होता क्या था कि वो मिट्टी के जो पॉट होते थे, जैसे ही हम पानी देते थे तो मुश्किल से एक या दो महीने ठीक होते थे, उसके बाद साइड से वो झरने शुरू हो जाते थे जो हमारे फ्लोर को काफ़ी गंदे करते थे। उसके बाद फिर मैंने सीमेंट का भी पॉट यूज़ किया, लेकिन सीमेंट का पॉट काफ़ी हैवी होता है और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर सीमेंट के पॉट को भी मैं धीरे धीरे हटा दिया और उसके बाद मैं ये जो प्लास्टिक पॉट है, इसको नर्सरी पॉट भी कहते हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है और इसके ये मैं यूज़ करता हूँ। और मैं दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर टोटल जो हैं 12 होल्स होते हैं, यानी कि 12 ऐसे जगह बने हुए हैं, ये होल्स नहीं हम काउंट करेंगे, ये 12 ऐसे जगह हैं जहाँ से आपके प्लांट को ऑक्सीजन मिल सकता है। ये 12 ऐसे होल्स हैं जहाँ से आप पानी अगर डालते हो तो पानी रुकने वाला नहीं है, इन 12 जगह से पानी बाहर निकल सकता है। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। और कई लोग ये बात कहते हैं कि सर दिल्ली के अंदर इतनी क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट है जहाँ टेम्परेचर 48-49 डिग्री तक जाता है, तो वहाँ पे आप ये पॉट यूज़ कर रहे हो, क्या इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती? मेरे को बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आती है और मेरे को इस पॉट को यूज़ करने से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। पहले क्या होते थे, चाहे सीमेंट का गमला होता था या मिट्टी का गमला होता था, जब आंधी तूफान आते थे तो पॉट गिर जाते थे और गिरते ही वो टूट जाते थे या क्रैक हो जाता था। और अगर 5-6 या 7-8-10 गमले भी अगर गिर गए तो 10 में से 8 गमले क्रैक होने टूटने। तो इस केस में क्या होता है कि प्लास्टिक वाले पॉट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, थिकनेस अच्छी है, तो इस पॉट में मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ये गिर भी जाते हैं तो मैं उठा के सीधा कर लेता हूँ और इसके अंदर जो मीडिया है वो बाहर निकल जाता है, वो वापस मैं इसको रख देता हूँ, तो ये बेनिफिट मेरे को मिला। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये कई सालों तक इसकी लाइफ जो होती है, इस पॉट की लाइफ जो है वो 10 सालों की होती है, 10 सालों तक ये पॉट कहीं नहीं जाता। इसको बेसिकली नर्सरी पॉट कहते हैं, हर तरह का पॉट आपको नहीं लेना, नर्सरी पॉट आपको यूज़ करना है। ये मेरा 12 इंच का पॉट है और इसके अंदर मैं अभी एक इस प्लांट को मैं ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा कि रूट को कैसे प्रून करना है, कैसे ट्रिम करना है और कैसे फिर इसके अंदर ये लगाना है, ये मैं आपको आपके सामने अभी करके दिखाऊंगा। तो ये बेनिफिट है। लेकिन कई लोग मेरे से ये भी सवाल करते हैं कि सर क्या प्लास्टिक पॉट मिट्टी सॉयल मीडिया के लिए सही है क्या? एक्चुअली सॉयल मीडिया में मैंने नहीं किया है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 प्लांट जो भी करना चाहते हैं प्लास्टिक पॉट में या नर्सरी पॉट में गुलाब करना चाहते हैं और सॉयल मीडिया यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 प्लांट करो और आप मेरे को सजेस्ट करो कि आपके प्लांट कैसे चल रहे हैं ताकि मैं दूसरे लोगों को बताऊँ। मेरे पास मिट्टी बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज़ मैं जो अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो अगले 2-3 वीडियो के बाद हो सकता है मैं बनाऊँ कि सॉयल मीडिया में गुलाब कैसे लगाना है, क्योंकि पहले मैं सॉयल मीडिया में करता था, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि सॉयल मीडिया सर हमें चाहिए गुलाब करने के लिए, तो वो हमारा क्या कंपोजिशन होना चाहिए, वो मैं सारा डिस्कस करूँगा। तो उस समय मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसा गुलाब लूँ जो मैं अपने ये नर्सरी पॉट में लगा के देखूँ, तो उससे एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो शायद आपको मैं फिर सजेस्ट कर सकूँ कि आप इसमें 100% आप इसमें जाओ या नहीं जाओ, वो तभी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसमें ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। ये छोटा प्लांट ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं और अभी ये मौसम भी नहीं है कि मैं इसको रिपोर्टिंग करूं, लेकिन मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि रिपोर्टिंग पे अगली वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं है, मानसून नहीं है दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करनी है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सिर्फ मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं, और बेसिकली ये रिपोर्टिंग नहीं है, मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, लेकिन आपको रिपोर्टिंग भी इसी तरीके से करनी है। को लगाने से पहले आपको देखना होगा इसमें जितने होल्स हैं उसके ऊपर इस तरह के जो मिट्टी के गमले के जो टुकड़े होते हैं वो सारे होल्स
के ऊपर रख के इसको कवर कर देना है ताकि कोई भी पानी या मीडिया बाहर ना निकले और पानी रुके नहीं, क्योंकि मीडिया फिर जाके जाम कर सकता है। तो इस तरह के से हम सारे होल्स को कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हाफ पार्ट हम इसका सिलेंडर से फिलअप कर देंगे। उसके बाद ये मैंने सिलेंडर इसके अंदर डाल दिया, हाफ पार्ट सिलेंडर डाल दिया और अब मैं इस पॉट को खाली करूंगा और देखूंगा इसके अंदर रूट की सिचुएशन क्या है और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसमें किस तरह से आपको इसके अंदर ट्रांसप्लांट करना है या रिपोर्टिंग करनी है। फ्रेंड्स, इसको जब आप निकालोगे तो आप इस तरीके से आप करके भी निकाल सकते हो, या कई बार रूट कॉइल ज़्यादा हो जाता है तो आप सिंपल अगर चाहोगे तो हल्का आप अगर कवर करोगे तो इस तरीके से भी आपका गुलाब का ये निकल सकता है। ये मैंने निकाल दिया। अब ये देखने वाली ये बात है कि ये जो कितना इसके अंदर से कितनी मीडिया हमें बाहर करनी है, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हो। अगर गर्मी के मौसम में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो 50% इसके आसपास से हमें मीडिया हटा देनी है। अगर आप मानसून में या विंटर में अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो आपको इसमें से 60% आप मीडिया हटा सकते हो। तो ये सारा जो अभी गर्मी थोड़ा मौसम है, मौसम थोड़ा गर्म है तो अभी मैं इसके अंदर 50% के आसपास ये हटा दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा हटाऊंगा तो हो सकता है प्लांट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। और जैसा कि मैं बताया था आपको कि इसके अंदर वाइट रूट नहीं है, क्योंकि अगर वाइट रूट्स होता तो इसके अंदर नए ग्रोथ होते और दिल्ली के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा इस टाइम है, बहुत कम प्लांट हैं जो इसमें आप हम देख सकते हो जो इसमें नए निकल रहे हैं। और यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब बारिश आता है तो अचानक ही नए नए शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं और बारिश के 2-3 दिन के बाद फिर जब गर्मी का टेम्परेचर आता है और टेम्परेचर 42-43 डिग्री सेल्सियस जाता है तो जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। ये हर साल ये प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर फेस करते हैं। तो इसमें से मैं जो है 50% इसके आसपास से मैं रूट निकाल दूंगा और ये जो एक्स्ट्रा रूट है ये मैं ट्रिमिंग कर दूंगा इसको। ये जो आप रूट का जाला देख रहे हैं, आप जब भी आप गुलाब को आप हटा ट्रांसप्लांट करेंगे या रिपोर्टिंग करेंगे तो जितने ये जाले हैं उसको आप बड़ी सावधानी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें एक टैप रूट होता है जो दिख नहीं रहा अभी मेरे को, टैप रूट होता है जो मेन रूट होता है, टैप रूट मतलब मेन रूट, वो अभी बाहर नहीं निकला है तो वो नहीं काटना है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। जो आपके जाली हैं और ये काले काले रूट हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके गुलाब के अंदर रूट के अंदर बीमारी लगी हुई, कोई बीमारी नहीं है, इट्स नेचुरल, इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ट्रिमिंग कर देनी है और कुछ इस तरह का बॉल आपको तैयार कर देना है। और इस तरह के बॉल तैयार करने के बाद आपको बड़ी सावधानी के साथ इसको इसके अंदर लगाना है। अब ये देखने वाली बात है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक आपको टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप गुलाब को लगाएं कोशिश करें कि जितना ऊपर करके आप लगा सकें उतना अच्छा है, क्योंकि ऊपर करके लगाएंगे तो रूट को नीचे पॉट के अंदर बढ़ने का बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा और जब ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो रूट बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेगा और रूट जितना अच्छा डेवलप करेगा प्लांट आपका उतना ही अच्छा डेवलप करेगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा ऊपर उठाकर हम अपने गुलाब को लगाएं। ये आप सिंडर देख रहे हो या इसको खंगर कहें, ये मैंने राजेंद्र जी के पास दिल्ली में खुद रेडी करवाया अपने सामने और ये ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो रहा है। इसको कभी भी धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको धो के अगर डालते हैं तो इसके अंदर जो नेचुरल मिनरल्स हैं या जो पोटास हैं वो धूल के बाहर चले जाते हैं और दिल्ली जैसे गर्मी में थोड़ा बहुत इसका डस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल डस्ट ख़त्म कर देंगे तो आप गर्मी के समय में पानी दे देकर परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए इसको धोना नहीं है, बहुत ज़्यादा वाश नहीं करना है और इसका नेचुरल पोटास नेचुरल मिनरल इसके अंदर रहने देना है। अब मैं इसको जो भी मैंने लगाया ये गुलाब उसको ट्रांसफर किया, धीरे धीरे इसके चारों तरफ से ये सारा मैं भर दूंगा ये सारा। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सिंडर पूरा लेवल तक, कई बार मैं देखता हूँ कि कई लोग बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे सिंडर करके देते हैं, आपको ऑलमोस्ट लेवल पे रखना है, ऊपर से 1 इंच मैक्सिमम आपको खाली रखना है
बाकी मैक्सिमम आपको कवर कर देना, और लगाने के बाद थोड़ा इस तरीके से आप इसको प्रेस कर देंगे ताकि आसपास रूट के आसपास ये सारा जाकर हमारा जो सिंडर है, खंगर है, ये पूरी तरीके से बैठ जाए। ये ध्यान रखें कि बीच में इसको नहीं प्रेस करना है, ये काम नहीं करना है, हमें साइड से प्रेस करना है। ये एक बात का हमेशा आप ध्यान रखें, ये साइड से प्रेस करना है, और इस तरीके से इसको बराबर करके ये हमारा रीपॉटिंग या ट्रांसप्लांट आप कहें, इसी तरीके से कोई भी बड़ा प्लांट हो या छोटा प्लांट हो, आपको इसी तरीके से इसको ट्रीट करना और इसी तरीके से ट्रांसफ़र करना है, रिपोर्टिंग करना या ट्रांसप्लांट करना है, आपको तरीका यही होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो सिंडर है, ये जो बच जाता है, इसको फेंकना नहीं है, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास नए प्लांट आते हैं नर्सरी से बेयर रूटेड, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से ये डेवलप कर सकता है। दूसरा, ये मेरे से और सवाल किया जाता है कि सर अगर हम सिंडर को धोएं नहीं तो किस तरह से उसका डस्ट निकालें। मैं एक चीज़ आपको करके दिखाना चाहता हूँ। ये एक नेट है और इसमें मैंने थोड़ा सा सिंडर रखा हुआ है। आप इसके इसे आप इसको इस तरीके से अगर आप सीव करेंगे, चाल देंगे, तो ये सारा डस्ट जो है वो निकल जाता है। इससे ये होता है कि इसका जो नेचुरल पार्ट है वो इसके अंदर है, और जो पोटास है, नेचुरल मिनरल्स हैं, वो सब इसके अंदर है। सिर्फ आप डस्ट हटाना चाहते हो तो नेट यूज़ करके इस तरीके से आप, ये काफ़ी बड़ा नेट है, आप जस्ट एक आपको एक डेमो दे रहा हूँ, आप इस तरीके से आप अपने जो सिंडर हैं उसके डस्ट को आप निकाल सकते हो और आपका जो सिंडर है वो बिल्कुल डस्ट फ्री हो जाएगा। लेकिन धोना नहीं है, इसको अवॉइड करो, सिंडर को कभी भी धोना नहीं चाहिए। आप इस तरीके से सारे सिंडर के डस्ट निकाल सकते हो। आप दिल्ली के अंदर जो हमें प्रॉब्लम आती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले बारिश वगैरह आया, एक बेसल सूट निकला, लेकिन फिर टेम्परेचर क्या होता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ गया, 42 डिग्री, 43 डिग्री और 42 डिग्री सेल्सियस चला गया, और आप ये देख रहे हो किस तरीके से जो बेसल सूट्स के जो लीव्स थे वो जलने शुरू हो गए। तो ये प्रॉब्लम आती है, और कई लोगों को जो नॉर्थ इंडिया में है इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जहाँ बारिश रेगुलर नहीं हो रही है या मौसम 42 या 43 डिग्री सेल्सियस है, उस केस में, क्योंकि जो बेसल सूट होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ जो लीव्स भी होते हैं वो भी बड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इस तरह से पत्ते जल जाते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और कई लोग पूछते हैं सर हमारे पत्ते जल रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें, तो उनका ये जवाब है कि आप कहीं ना कहीं अपने टेम्परेचर को चेक करें, आपके आसपास जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, वो कंडीशन कैसा है, उस केस में भी इस तरीके से पत्ते जलते हैं, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्मी में ये कोशिश करो कि आपका प्लांट मरना नहीं चाहिए, सेफ रहना चाहिए, और जैसे ही मौसम इसका अच्छा आ जाएगा तो आपके प्लांट उठ जाएंगे और अच्छे चलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आज जो रिपोर्टिंग पे जो हमने आपको वीडियो दिया, आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी रोज़ ग्रोवर हैं, और आप देखते हो कि जिनके एक प्लांट के अंदर 150 या 200 फूल खिले होते हैं, वो हर साल रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग हर साल करनी चाहिए या 2 साल पे करनी चाहिए या 3 साल पे एक बार करनी चाहिए। तो जब प्लांट आपके बड़े हो जाते हैं, और ये आपको जज करना पड़ेगा कि उसके अंदर रूट कॉइल हुआ है या नहीं हुआ है, और पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये सारी चीज़ों को जज करने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी है। लेकिन डेफिनेटली जो प्लांट बड़े हैं, जिनके बड़े बड़े प्लांट हैं और बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, फूल खिलते हैं, तो उनको हर साल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अगर आपके प्लांट अभी 1 साल 6 महीने या 2 साल पुराने हैं तो रिपोर्टिंग की उतनी ज़रूरत अभी नहीं है। आप ऊपर से 4 इंच हटा के, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ऊपर से 4 इंच सिंडर हटा के नए सिंडर आपको डालने सिखाऊंगा, और उस तरीके से भी आप गुलाब को अपने सीजन में ट्रीटमेंट कर सकते हो। आज आपको जाने से पहले एक मैं आपको टिप्स देके जा रहा हूँ मैं, और अब कोशिश करूँगा कि जब भी वीडियो मेरा मैं बनाऊँ उसके बाद आपके लिए एक ज़रूर छोटी सी एक टिप्स देके जाऊँ, ताकि आपको आपके गुलाब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आज का टिप्स ये है कि कभी भी जब बादल छाए हुए हों या बारिश हो रही है, धूप नहीं निकले हैं, तो आपके गुलाब को कभी भी फीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस टिप्स के साथ आपको छोड़ी जाता हूँ। आप वीडियो हो सकता है आप जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल हो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, एंड कीप ब्लेसिंग, डोंट फॉरगेट दिस।